हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेश एंड लूप। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप सबको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि क्या होता है मेश और क्या होता है लूप और इसका डिफरेंस। तो प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, नीचे दिए गए लाल बटन को। तो इसमें पहला है अपना मेश और दूसरा लूप है। तो मेश को पहले देखते हैं। मेश क्या कहता है? इट इज द क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू विच अ करेंट कैन फ्लो, बट द ओनली थिंग्स इज दैट थ्रू दैट क्लोज पाथ नो अदर क्लोज पाथ इनसाइड इट। इसमें इस लाइन को ध्यान दीजिए, नो अदर क्लोज पाथ इनसाइड इट। ये मेश क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल का जो क्लोज पाथ है अपना, उसमें जो है सो नो अदर क्लोज पाथ इनसाइड, उसके भीतर में कोई क्लोज पाथ होना नहीं चाहिए। और मेश क्या कहता है देखिए, सॉरी लूप क्या कहता है? लूप इज ऑल्सो अ क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट कैन फ्लो, बट अ लूप कैन कंटेन वेरियस अदर लूप इनसाइड इट। लूप कहता है कि मेरे भीतर और भी लूप हो सकते हैं, पर मेश ये कहता है कि मेरे भीतर कोई भी दूसरा मेश नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स लूप नहीं होना चाहिए। तो इसको मेश बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो हुआ मेश का ए बी, दो इसमें मेश है, एक ये मेश है एक ये मेश है। सपोज आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज लेते हैं और ये क्लॉकवाइज लिए, तो ये दो मेश हुआ ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये अपना पहला मेश हुआ। और सेकेंड में हो गया बी सी डी एफ, बी सी डी एफ, ये हो गया अपना सेकेंड मेश। तो मेश का यही होता है कि नो अदर क्लोज पाथ इनसाइड इट, दूसरा क्लोज पाथ इसके भीतर नहीं होना चाहिए, ये मेश कहता है। पर लूप में क्या है, ये दो तो है ही लूप, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ और ये बी सी डी एफ, ये तो दो लूप है ही। और एडिशनल क्या है इसमें, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, लूप का वही है, कंटेन वेरियस अदर लूप इनसाइड इट। ये लूप का मतलब हुआ कि उसके भीतर और भी हो सकता है, पर मेश में ये नहीं होता है, नो अदर क्लोज पाथ, यही डिफरेंस है इन दोनों का। तो इसमें हो गया मेश में अपना, लूप में हो गया ये एक दो और हो गया, और ए सी डी एफ, एक ये होल को भी लगा सकते हैं, ऐसे करके होल को आप लगाइएगा। तो ये सपोज आई वन आई टू और ये आई टोटल मान लीजिए, आई थ्री मान लीजिए, तो लूप हो गया अपना इसमें तीन हो गया और मेश हो गया वो दो ही हुआ। यही है डिफरेंस इसका और यही कहता है ये मेश और लूप। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।